मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा ये प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, प्रमाणिक जानकारी पहुंचे, अनुसंधान कार्यों की जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें और उन चीज़ों को भी वो ध्यान में रखें जिससे उनको खेती में लाभ हो सकता है। आज मैं अपने रिसर्च फील्ड पर खड़ा हूँ और आपको जो चर्चा करना चाहता हूँ ये है कि गेहूँ की फसल की जो समय से बुवाई हो गई है, जिनकी 15-20 नवंबर के आसपास बुवाई हुई होगी, उनकी फसल में अब बालियां आने वाली होंगी और ये अवस्था देखिए बाली निकलने की है, इस समय बालियां निकल रही हैं, तो हमें इस समय सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखना चाहिए गेहूं में बाली निकलते समय? जो हमको खाद उर्वरक देनी थी वो अब तक हम दे चुके होते हैं, लेकिन अभी ये जो अवस्था है क्योंकि हमारी जो फसल की उपज है वो इसी बालियों से निर्धारित होगी कि बाली कितनी अच्छी होगी, बाली कितनी लंबी होगी, उसमें दाने कितने पड़ेंगे, कितने मोटे दाने पड़ेंगे, दानों का भार कितना होगा, उसी से ही उपज निर्धारित होगी। अब ये फसल जो है वही की जो फसल की ग्रोथ है वो इस बाली की ग्रोथ को सपोर्ट करेगी, तो फसल को तो हमने अच्छा कर सकते हैं पोषण दे के और सिंचाई करके जो भी अपनी व्यवस्थाएँ होती हैं उसके माध्यम से, लेकिन इससे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इससे फसल जरा सी भी क्षति पहुंचती है तो बहुत नुकसान होता है, तो कौन सी ऐसी विशेष बातें हैं जो हमको इस समय बहुत ध्यान में रखनी पड़ेंगी और हमको अपने खेत की रेगुलर विजिट करनी पड़ेगी, हमको अपने क्षेत्र में जो हमारा जहां ये फसल लगी है ज़रूर रेगुलर आप डेली फसल का निरीक्षण करें ताकि कोई समस्या आ रही है तो उसको देखें। जो समस्या मुख्य रूप से आ सकती है वो ये है कि रस्ट जो है पीला रतुआ आ सकता है और जब ये थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके आने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो आप निरीक्षण करते रहें कि ऐसा तो नहीं कि ये पत्तियों के ऊपर से पीला पीला पाउडर आ रहा है, और आप पीला रतुआ येलो रस्ट के बारे में जानते ही होंगे तो इसका ध्यान रखें कि पाउडर हाथों में आ रहा है तो वो पीला रतुआ है और थोड़े से क्षेत्र में आएगा पहले, फिर वो पूरा बहुत तेज़ी से फैल जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखें कि येलो रस्ट ना आए, और अगर आने वाला है या आपको लग रहा है कि आ चुका है तो बिल्कुल निरीक्षण करें और उसको तुरंत वहीं कंट्रोल करें। प्रोपोकेनाजोल या टेबुकेनाजोल की आप दवा का प्रयोग कर सकते हैं, 1 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में मिला के घोल बना के स्प्रे करें और तब उसको तुरंत ही जहां से वो स्टार्ट हुआ उसको रोकें, अगर ये एक बार फैल गया तो बहुत अधिक नुकसान कर सकता है। तो पहला तो हमारा डैमेज जो नुकसान हो सकता है पीला रतुआ से हो सकता है, दूसरा हमारे इस समय कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ सकती है क्योंकि फसल पूरी बढ़वार ले रही है और उसके अंदर से बालियां निकल रही हैं, तो अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है वो जो कॉमन हो सकती है वो इस समय आयरन की हो सकती है या जिंक की हो सकती है या सल्फर की हो सकती है, ये बड़ी कॉमन डेफिशिएंसी इस समय हो सकती है। और ऐसे केस में अगर सल्फर की डेफिशिएंसी आ रही है, गंधे की कमी आ रही है, तो ये ऊपर की पत्तियां हल्की पीली पड़ने लगेंगी, तो ये सल्फर की डेफिशिएंसी हो सकती है। और अगर लोहे की कमी है, आयरन की कमी है, तो ये पत्ती जो है ऊपर वाली जो फ्लैग लीफ है और नीचे वाली ये खास तौर से फ्लैग लीफ ये सफ़ेद सी पड़ने लगेगी, पीली होकर सफ़ेद पड़ जाएगी लेकिन इसकी शिराएं जो है वेंस जो है वो हरी बनी रहेंगी, तो सफ़ेद सी हो जाएगी, तो ये अपने आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इस समय आप फेरस सल्फेट का स्प्रे करें, जो साल्ट आता है उसका स्प्रे कर दें और 0.2% का स्प्रे पर्याप्त होता है। 0.2% का अर्थ ये हुआ कि आपको फेरस सल्फेट की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलना है और उसका छिड़काव कर देना है। तो ये दो चीज़ों पे बड़ा ध्यान रखना है कि कोई हमारी बीमारी तो नहीं आ रही, और जो मोस्ट कॉमन जो डिसीज़ है जो मैंने भी आपको बताई येलो रस्ट है, पीला रतुआ है, दूसरा कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी इस समय हो सकती है और उसका ध्यान रखें। जैसे मैंने सल्फर का बताया तो सल्फर में तो हल्की हल्की पत्तियाँ पीली होंगी लेकिन आयरन के केस में जो है बिल्कुल सफ़ेद सी होने लगेगी पत्ती, और ख़ास तौर से ये फ्लैग लीफ पे ही इसका सिम्टम आता है। इस तरह से कुछ इंसेक्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, हालांकि समस्या कम रहती है, लेकिन बिल्कुल आप विजिलेंट रहें, खेत के अंदर देखते रहें कि कोई कीड़ा तो नहीं आ रहा है, और जो इस तरह का इंसेक्ट होता है फिर उसी के अनुसार ही इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए जाते हैं, और एक इंसेक्टिसाइड ऐसा नहीं होता कि सभी कीटों को कंट्रोल करता है, तो इंसेक्ट जो इस प्रकार का कीट है उसी प्रकार का जो रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड है उसी का स्प्रे करें। तो ये अगर आप बात ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी उपज मिलेगी। जो अन्य बात आपको ध्यान रखनी है वो ये देखनी है कि खेत के अंदर नमी बनी रहे, क्योंकि इस समय अगर खेत में नमी कम होती है तो पानी पौधों को कम मिलेगा, तो बाली के अंदर जो फोटोसिंथेट्स हैं वो इस पत्ती के माध्यम से ही इसमें जाते हैं, और अगर मॉइस्चर की कमी हुई तो एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ झंडा लीफ पे, ये फ्लैग लीफ है और सबसे ज़्यादा जो पोषण देगी इस बाली को यही पत्ती देती है, तो ये पत्ती अगर सूखने लगेगी या कमज़ोर रहेगी तो ये बाली का भी डेवलपमेंट कम होगा, और पौधा सूखेगा तो बाली भी में पानी की कमी रहेगी और वो बीज की मोटाई अच्छी नहीं आएगी। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि खेत के अंदर नमी बनी रहे, अच्छी नमी रहेगी,
तो बाली का विकास बहुत अच्छा होगा और जो दानों की उपज है, जो दानों के अंदर जो फोटोसिंथेटिस है, मतलब दानों का जो भोजन है, वो बहुत अच्छा बनेगा। तो नमी कमी ना होने दें, लेकिन ऐसा ना करें कि पानी आप बहुत ज़्यादा भर दें। अगर पानी आप बहुत ज़्यादा भर देंगे तो हवा चलने पर, जब तेज़ हवा चलेगी तो गिर जाएगा, क्योंकि ऊपर भार ज़्यादा हो रहा है। तो नमी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, थोड़ी सी नमी रखनी है, ताकि पौधों के अंदर का जो पानी है ये बना रहे। खास तौर से आप इस पत्ती का ध्यान रखें, ये जो फ्लैग लीफ है इस पर आपको बहुत ध्यान रखना है, झंडा पत्ती का। यही पत्ती सबसे ज़्यादा इस बाली को पोषण देगी। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, ये झंडा लीफ का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, झंडा लीफ का, फ्लैग लीफ का, इसके एक नीचे वाली लीफ का, ये दो लीफ बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। खास तौर से तो ये लीफ बहुत ज़्यादा करती है, झंडा लीफ, फ्लैग लीफ। तो फ्लैग लीफ पे आप बहुत नज़र रखिए, ये फ्लैग लीफ कहीं पीली तो नहीं हो रही है, या किसी न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी तो नहीं आ रही, या कोई से कीट तो नहीं खा रहा, या मॉइस्चर की कमी से सूख तो नहीं रही है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से बाली बहुत अच्छी बनेगी, मोटी बनेगी, दाना अच्छा रहेगा और उपज भी आपको अच्छी मिलेगी। इसी तरह के लेक्चर से सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ, ताकि किसानों को सही जानकारी मिले, अच्छी जानकारी मिले और खेती में लाभ ले सकें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।